हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मैंगो कर्ड, जिसके लिए हमने लिया है 1 टेबलस्पून ये कर्ड लिया है जैमून के लिए। इसके साथ साथ हमने लिया है ये चॉप करे हुए 3 टेबलस्पून मैंगोस, 1 टेबलस्पून शुगर और ये मैंगो एसेंस। ये टोटली ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप इस्तेमाल करिएगा, हम इसकी बस फ्यू ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ हमने लिया है 1 कप मिल्क, जिसे हम अभी बॉयल के लिए रखेंगे और फिर थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे मिक्सचर को तैयार करेंगे। ये हमने दूध रख लिया बॉयल होने के लिए, इसमें अपना शुगर ऐड कर लेते हैं। हमारे दूध में उबाल आ गया है, फ्लेम ऑफ कर लेते हैं। इसको हल्का सा ठंडा कर लेते हैं 10 मिनट, उसके बाद हम इसका बनाना स्टार्ट करेंगे दही के लिए मिक्सचर। अब हमारा दूध ठंडा हो गया है हल्का सा, इसको इस मिक्सचर में मिला लेते हैं। इसके साथ साथ अब हम इसमें क्या करेंगे, फ्यू ड्रॉप्स मैंगो एसेंस की डाल रहे हैं, जो टोटली ऑप्शनल है, मेरे पास है इसलिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्यू ड्रॉप्स हमने मैंगो एसेंस की डाल दी है इसमें। इसके साथ साथ इसमें हम फ्रेश मैंगोज भी डाल लेते हैं। इस मिक्सचर को मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं अपने बर्तन में, जिसमें हमें दही जमानी है, इस बर्तन में। ये हमारा मैंगो कट के मिक्सचर रेडी हो गया है। इस पर एक फॉइल पेपर लगाना है और इसके बाद इसको क्या करना है, 7 से 8 घंटे हम इसे रख देंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा मैंगो कट कैसे बना है। बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया है टाइटली, अब इसे रख देते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे बनी है हमारी कर्ड। देखिए हमारा मैंगो कर्ड रेडी हो गया है और सेट हो चुका है, 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और काफ़ी अच्छा सेट हुआ है। तो आप भी बनाइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू।